नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सरकार के बीच अब एक बार फिर बातचीत होने वाली है। पिछली भी कई वार्ताएं बेनतीजा निकली, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का दखल भी आया, लेकिन किसान सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह केंद्र सरकार द्वारा ही तैयार किया गया है। एक दूसरा रास्ता है, दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के ऊपर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वार्ता से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि आज भी कोई नतीजा निकलेगा। बुराड़ी ग्राउंड में आंदोलनकारी किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार से पहले भी कई वार्ता हुई, लेकिन शुरू से ही हमें उम्मीद थी कि सरकार कोई हमारे हित में फैसला लेगी, लेकिन अभी तक कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। साथ ही उनका कहना है कि हम इस कानून को रद्द करवाना चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो देश के मुखिया हैं और एक बड़े परिवार का हिस्सा भी हैं। जब कोई परिवार में बच्चा रूठ जाता है तो परिवार के मुखिया की ही जिम्मेदारी होती है उसको मनाना। हमें प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। जब सरकार और किसानों के बीच पहले पहल वाली वार्ता हुई थी तभी हमें उम्मीद थी, अभी भी हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए कोई फैसला लेगी। इसमें बीच का रास्ता हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ कानून को रद्द कराना चाहते हैं, हमारी इतनी सी मांग है और हमें उम्मीद है कि और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को पूरी करे ताकि हम भी आंदोलन खत्म कर अपने घर जा सके, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। दोबारा बातचीत होने वाली, क्या उम्मीद है आपको? गल आई उम्मीदा तो उदो तो लेके रखते हैं जी, इंसान जो तो जाऊँगा उम्मीदा नहीं जीता रहा, उम्मीद तो रखते हैं। मोदी साहब मेहरबानी करे, अभी घर को जाइए, सरकार भी सौखा साल है, करोड़ों रुपये लखा रुपये का नुकसान रोज़ हो रहा, समझे सियाना हो सू घर को कले कानून जो रद्द करें, जो असं मंगते नहीं कानून सू क्यों दिता है? पहले भी कई बार बात हुई है, फिर दोबारा सरकार नौवीं दसवीं बार बात है जी, जी नौवीं दसवीं बार बात तो हम जागता रखते ही है ना जी, बात ता ही करते ना, खरे इस बार मान जाएगा, खरे इस बार मान जाएगा, खरे मान जाएगा जो तो मान जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई थी, अब क्या लग रहा है कोर्ट की भी बात को अगर आप लोग नहीं मान रहे? सुप्रीम कोर्ट सरकार से ही बात नहीं, पहले ही पता है मोदी की सुप्रीम कोर्ट, अच्छा जो मोदी कहेगा वो करूँगा, उन्हें कमेटी बनाई, दो महीने का फैसला आएगा, क्या दो महीने ही बैठे रहेंगे, कमेटी बनाई सारी कमेटी ने साढ़े आगू सहमत ही नहीं। आज की बातचीत से उम्मीद रख रहे हैं आप लोग? मैं तुम्हें कहा पहली तो उम्मीद तो रखते हैं, अच्छा पहली पक्की उम्मीद कोई नहीं, हूँ जो 9-10 खत्म हो गई पक्की उम्मीद कोई नहीं, पर उम्मीद रख के तो करते मीटिंग, नहीं तो करनी ना, उम्मीद तो रखते हैं पर उम्मीद की कोई उम्मीद नहीं ना, दसवीं मीटिंग पहली तो दूजी तीजी चौथी, उम्मीद तो हमेशा ही होंगी, तो कहने कल करे परसों करे चौथे करे अज करे, क्यों पाया सानू खेती करे जाइए, सरकार का करोड़ों का नुकसान हो रहा, साढ़ा लखा का नुकसान हो रहा, ठंड च बच्चे बुजुर्ग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री एक मुखिया होंदा देश का जी, जैसे परिवार का एक मुखिया होंदा, परिवार का बच्चा रुस भी जाते हैं तो परिवार का मुखिया जो मना जाकड़ नहीं होंगी, परिवार नहीं चलता जो हंकारी बंदा हो, परिवार वो खत्म हो जाते हैं, जे सियाना हो परिवार साढ़े देश का मुखिया है, इन्हों हर बंदे तकलीफ समझनी चाहिए है। जो सरकार से दोबारा बात होने जा रही है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आज की बातचीत? देखो उम्मीद तो कम है, पर जो सरकार समझदार हुई तो आज बात किसी पन्ने लगा देगी, क्योंकि उसको पता चल गया है जो कोर्ट में सहारा लेने की कोशिश की तो वो भी हमारी जो किसान कमेटी है बड़ी कमेटी उसने इग्नोर कर दिया, जो कमेटी को इग्नोर कर दिया कि हम इससे बात नहीं करेंगे, तो और कोर्ट को भी और सरकार को भी इस पे निवेदन के लिए काले कानून रद्द करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा संघर्ष है ये तो पक्का संघर्ष हो गया, सभी सरकार भी जान गई है, कोर्ट को भी इसका पता है कि जब तक ये हमारे जो रद्द नहीं हो जाते कानून तब तक ये काम नहीं चलेगा, तो आज इसको समझदारी से काम लेकर आज की मीटिंग में इसको फैसला ले लेना चाहिए और हमारे काले कानून जो रद्द कर देने चाहिए, सरकार को चाहिए था। कोर्ट ने भी दखल दिया था, कोर्ट ने भी कानून पर रोक लगाई थी, क्या लग रहा है? देखो रोक तो एक समय के लिए होती है ना, तो एक महीना दो महीने जो रोक तो पक्की रोक तो नहीं है, उसको सरकार को इसके सरकार को बोलकर सुप्रीम कोर्ट को इसको रद्द कर देना चाहिए, उस पर हुक्म देना चाहिए सरकार को कि दो महीने होने वाले हैं
पौने दो महीने हो गए ऐसे संघर्ष चलते, कितनी देर और बैठेंगे? लोग जो मांगते नहीं है उसको देने का क्या फायदा, क्यों धक्के से क्यों दिया जा रहा है? तो उसको रद्द कर देना चाहिए। सो कोर्ट को भी और विनती करते हैं और सरकार को भी कहते हैं सियानप से काम लें, जो संघर्ष रुकेगा नहीं तो चलेगा लम्बा, तो आज की मीटिंग में इसको रद्द कर देना चाहिए। उम्मीद है आपको भी कुछ? देखो उम्मीद से तो बैठे हैं ना, दो महीने से कोई भी काम होता है उम्मीद से होता है, उम्मीद से बगैर तो होता नहीं है, तो बैठने का क्या फायदा? उम्मीद के लिए बैठे, इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हम रद्द करा के जाएंगे। तो जब कोई मीटिंग होती है तो उस पर देखा तो जाता है। अगर ये बात नहीं है कि आज ना रद्द हुआ तो कहाँ जाने वाले हैं लोग, जाएंगे कहाँ? नहीं पक्के हैं संघर्ष कहाँ रद्द करके जाएंगे तो आज हो जाता, बड़ी बात है। और सुखी नींद और सरकार भी सोए, हम भी हमारे परिवारों में जाएँ, तो सभी को औखा पड़ रहा है, चिंता सरकार को भी है, तो उससे ज़्यादा लोग तंग हैं, तो उसको कम निबेट देना चाहिए, कर देना चाहिए रद्द इसको।